सो कंफर्टेबल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एर्गोनॉमिक चेयर में ये सात चीजें होनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू परवेश यादव व्लॉग्स। और आज का सीन है कुछ ऐसे। तो भाई ये बात है 3 महीने पहले की, जब मैंने इस सेलबेल की चेयर को खरीदा था। खरीदते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि 3 महीने के बाद इस चेयर को अनबॉक्स करके देखूंगा कि ये सही है या डिफेक्टिव है। तो भाई ये है मेरी टेबल और ये है एक स्टूल जहाँ बैठ के मैं यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ और पढ़ाई करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जब इस स्टूल की जगह पे ये कुर्सी यानी कि ये चेयर आ जाएगी तो भविष्य में मुझे बैक पेन होने से बचाएगी, अगर ये सही सलामत निकली तो। तो इस छोटी सी भूमिका के बाद अब इस चेयर को ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसी है। मुझे बस एक चाकू चाहिए और थोड़ी सी इच्छा शक्ति इसे असेंबल करने के लिए। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि एक अच्छी चेयर को चूज करने के लिए 7 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो हम उन 7ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ सेलबेल C103। अच्छा एक बात तो है, जब चेयर आ जाती है तो स्टूल बड़ा नकली सा लगने लगता है ना। और ऐसी बात भी नहीं है भाई, चेयर आराम भी काफ़ी देती है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि पैकिंग कैसी आई है। तो भाई ये है इस तरह की पैकिंग आपको देखने को मिलेगी, देख लेते हैं निकाल के कैसी है और इसके अंदर क्या क्या है। ये है सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, इसको रखते हैं साइड में। सेकेंड थिंग ये लुक एट दिस, ये कैसा है। अभी चलो बाकी की चीज़ें भी निकाल लेते हैं। ओके ग्रेट, ये बिल है और बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो भाई ये है एर्गोनॉमिक चेयर और इसके कंपोनेंट्स अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ नाम के साथ। मेटल का व्हील बेस, काफ़ी पावरफुल लग रहा है। ओके ये है इनका हाइड्रोलिक सिस्टम और साथ में ये इन्होंने की दी है जो इसको असेंबल करने के काम आएगी। इसको ये बोलते हैं पुश बैक मैकेनिज्म जो सीट के नीचे लगेगा। तो ये है इस चेयर का बैक रेस्ट जिसके लिए मेनली लोग चेयर मंगवाते हैं, वो यही है। चलो जी, और ये है मेन सीट विद आर्म रेस्ट। और एक ये आया है सेलबेल की तरफ से वेलकम किट, इसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, मतलब अभी नहीं करूँ क्या। हाँ चलो कर लेते हैं। ओके तो ये है एक डस्ट रिमूवर, यहाँ पे इन्होंने बॉक्स कंटेंट और इंस्टॉल करने की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी, मतलब आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है ये खरीदते हुए। और इसकी 12 महीने की वारंटी भी है अगर आप इस प्रोडक्ट को 7 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छी बात है, हमें तो बहुत दिन हो गए बट फिर भी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो चलो सारे के सारे कंपोनेंट हमने देख लिए, अब इनको असेंबल भी कर लेते हैं। अगर आपके घर में स्क्रू ड्राइवर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, दे वो ट्यूब कवर और इसके साथ आपकी पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। 4 स्क्रू जो हैं वो सीट के बॉटम पे हैं और 3 स्क्रू मैकेनिज्म के ऊपर हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो ये हैं 4 स्क्रू, 1, 2, 3, 4, ये रहे 3 स्क्रू, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको ये निकाल के एंड इनके ऊपर सेट करने बहुत इजीली हो जाएंगे। इस तरीके से ये फाइनल। स्क्रू यहां पे अटैच करने हैं ऐसे, इसको दूसरी तरफ करके। ये हाइड्रोलिक बड़े काम की चीज है, इसकी वजह से ही सीट हाइट जो है वो एडजस्ट हो पाएगी एंड काफी यूजफुल बना देगी ये चीज इस चेयर को। तो चलिए फिर ये काम भी कर लेते हैं।
ये इसकी सबसे कम हाइट है, मतलब दिस इज़ द लोवेस्ट हाइट जो इस चेयर की है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये लीवर दिया हुआ है, इसको हम अगर पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ये अपने आप ऊपर होने लगता है। मैं कहूँगा कि काफ़ी हाइट है। अभी मैं इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ एक बार, एंड उसके बाद फिर बात करेंगे उन 7 चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कह रहे थे कि इंटरनेट पे मैंने देखी थी कि वो 7 चीज़ें अगर एक एर्गोनॉमिक चेयर जो ये है उसके अंदर होनी चाहिए। पहले मैं इसका सिटिंग एक्सपीरियंस चेक करना चाहता हूँ कि बैठने के बाद ये कैसा फील देती है। तो गाइस देखिए, इंस्टॉलेशन होके तैयार है। मैं इसके ऊपर जाके बैठता हूँ एंड अभी इसके कंफर्ट को चेक करता हूँ, इसकी हाइट को चेक करता हूँ एंड उसके बाद इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो चेयर है ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। मैक्स हाइट के ऊपर अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हाइट है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल जितना नीचे जा सकती है उतना नीचे इसको लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको पीछे की तरफ हल्का सा पुश करना है एंड ये अपने आप नीचे जाने लगेगी। तो ये है इसका सबसे एज लो एज इट कैन गेट। तो ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको मैं बीच में लेके आता हूँ वापस, जितना मुझे एडजस्टेबल लगता है उतना। तो ये अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मेरे यूज़ के लिए काफ़ी सही रहेगा। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो मैंने कहा था कि मैंने इंटरनेट पे सर्च की हैं, एंड अगर उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो उनके बिना कम्प्लीट हो पाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एर्गोनॉमिक चेयर में ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छी चेयर में सीट हाइट होनी चाहिए 16 से 21 इंच के बीच में, एंड मैंने लिटरली मेज़र किया है और इसकी है 18 से 21 इंच। 3 इंच जो है वो इसका हाइड्रोलिक्स जो है उससे हम इसकी सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक चेयर के अंदर होनी चाहिए उसका ये जो सिटिंग एरिया है ना, उस सीट की विड्थ जो होनी चाहिए 17 से 20 इंच के अंदर, एंड इसकी है 17 इंच। मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं फैले हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और अभी बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए एक अच्छी चेयर के अंदर उसे कहते हैं लंबार सपोर्ट। तो लंबार सपोर्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ये जो बैक रेस्ट है इसमें ये जो कर्व दिख रही है ना, तो हमारी जो पीठ के ऊपर जो इनवर्ड कर्व है उसको ये सपोर्ट करने के लिए ये ऐसे आउटवर्ड कर्व इस तरह से दिखती है। तो ये इसके अंदर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट इसके अंदर प्रेजेंट है। चौथी चीज़ एक अच्छी चेयर में होनी चाहिए जो बैकरेस्ट है वो 12 से 19 इंच के बीच होना चाहिए एंड वो टिल्टेबल भी होना चाहिए। तो मैंने इसका जो बैकरेस्ट है वो मेज़र किया है, वो 17 इंच है एंड जो टिल्ट है वो भी 120 डिग्री तक का है। सो टिल्ट के बारे में मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इसको बिना कुछ किए आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ टिल्ट तो हो रहा है, लेकिन कंप्लीट टिल्ट अगर आपको करना है तो, अगर आपको कंप्लीट टिल्ट देखना है तो आपको इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। मुझे पहले नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, अब जाके पता चला है। तो अगर हम इसको बाहर कर देते हैं एंड इट्स सो कम्फर्टेबल। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस टाइम में जब आप रेस्ट करोगे ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार उठ के जाओगे थोड़ी देर बैठोगे, तो यहीं पे बैठे बैठे आप जब इसको ऐसे पीछे की तरफ करो करके थोड़ा आराम करोगे तो आपको रेस्ट महसूस होगा। पांचवी चीज़ का जो मटेरियल है वो ब्रेथेबल होना चाहिए, ब्रेथेबल एक मिनट, इसका जो सीट मटेरियल है वो ब्रीथेबल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मटेरियल है, ये जो मैश मटेरियल है, ये यही है जो इसने बोला, सेम टू सेम। सो नेक्स्ट इज आर्म रेस्ट, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो 6 पॉइंट है वो भी कवर हो चुका है। 7th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, सर्वाइवल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना सर्वाइवल इसके अंदर है। दो चीज़ें और जो इसमें एक्स्ट्रा हैं, व्हील और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका वो BIFMA के द्वारा सर्टिफाइड है, बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसके ऊपर एक लाइक आपका ज़रूर।
जरूर होना चाहिए। तो अगर आपका काम है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप करते हैं एक घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इसके फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड यकीनन ये हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और आरामदायक तो है ही। बाकी मैं जो डर रहा था कुछ दिनों से कि मुझे नहीं पता कि इसकी जो पैकिंग है वो कैसी आई होगी और कुछ कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं होगा, बहुत दिनों के बाद मैंने इसको ओपन किया है, अनबॉक्स किया है, सारे कंपोनेंट बिल्कुल सही थे एंड मुझे इसको असेंबल करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मतलब दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आई, इन्होंने एक एल की दी हुई थी, उससे मैंने जल्दी से इसके जो 7 जो स्क्रू थे वो टाइट करने थे वो सारे कर दिए बहुत आसानी से, 15 मिनट आपको लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे असेंबल करने में कोई दिक्कत आएगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते, आपका यूज नहीं है, तो दूसरी बात है, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है एंड वीडियो को लाइक करके भी जाना है। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।